पास आते ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई की कांग्रेस पर सीपीआई ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि किरंदुल शहर के वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस की महिला एल्डरमैन शमशाद बेगम पर मतदाताओं के घर घर जाकर साड़ी बांटने का आरोप लगाया है। इधर मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि भाजपा और सीपीआई की अपनी हार का डर सता रहा है, तभी वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसकी शिकायत मैं आज ही जो किरंदुल थाने के प्रभारी है उनको मैं टेलीफोन पे शिकायत किया उनको, और उन्होंने बोला कि मैं ठीक है अभी तहसीलदार को मैं खबर करता हूँ, तो तहसीलदार को भी उन्होंने जानकारी दी होगी। अभी हम जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी जा रहे हैं, इसकी शिकायत हम करेंगे। अभी निर्वाचन कार्यालय में हम लोग उपस्थित हैं। सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के दल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, सब झूठ है। अभी तो हम लोग विधि को शुरुआत भी नहीं किया प्रचार का, हम लोग प्रक्रियाओं में गुजर रहे हैं। कल सिम्बा इलाका होगा, उसके बाद विधिवत हम लोगों का प्रचार प्रसार शुरू होगा। जिस ढंग के लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई अपनी हार सुनिश्चित समझ कर इस ढंग से आरोप लगा रहे हैं। और अब खबर धर्म जगत से।